अंजड़। डीजल और पेट्रोल की लगातार बढ़ती मूल्य वृद्धि को लेकर आज ब्लॉक कांग्रेस के तत्वाधान में कांग्रेसियों ने बस स्टैंड से रैली निकालकर केंद्र तथा प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए अपना विरोध दर्ज करवाया। महामहिम राज्यपाल के नाम अंजड़ तहसीलदार को ज्ञापन देकर तत्काल सरकार से पेट्रोल एवं डीजल की कीमतें कम करने की मांग की गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कांग्रेसी मौजूद रहे। राजपुर, पेट्रोल डीजल बिजली बिल खाद और बीज में लगातार हो रही मूल्य वृद्धि को लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी राजपुर द्वारा राज्यपाल के नाम राजपुर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। कोरोना महामारी के साथ ही चीजों के लगातार बढ़ते दामों ने आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी है। महंगाई के साथ कोरोना महामारी को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर ब्लॉक कांग्रेस, शहर कांग्रेस, किसान कांग्रेस, युवा कांग्रेस के द्वारा प्रदर्शन कर राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन दिया गया। पलसूद, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पलसूद ने क्षेत्रीय विधायक सुश्री चंद्रभागा किराड़े की उपस्थिति में राष्ट्रपति के नाम पलसूद थाना प्रभारी करण से रावत को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से पेट्रोल व डीजल के दाम में की गई बढ़ोतरी वापस लेने व क्षेत्र के मजदूर जो अन्य राज्यों से वापस लौटे हैं उन्हें रोजगार मुहैया कराने की मांग की गई। सेगांव, कांग्रेस ने डीजल पेट्रोल मूल्य वृद्धि के विरोध में राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। मध्य प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर जिला सहकारिता प्रकोष्ठ की जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं द्वारा डीजल पेट्रोल के मूल्य वृद्धि के विरोध में राज्यपाल के नाम ज्ञापन तहसील कार्यालय में लेखापाल प्रेम से डुडवे को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से कांग्रेस द्वारा मांग की गई कि लगातार डीजल और पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि हो रही है, इसे शीघ्र रोका जाए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कांग्रेसी मौजूद रहे। सनावद, प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर कांग्रेसियों ने किया विरोध प्रदर्शन। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने अनूठा प्रदर्शन करते हुए ठेले पर दोपहिया वाहन रखकर भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए रैली निकाली। नारेबाजी करते हुए तहसीलदार को ज्ञापन देते हुए बताया केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा पूरे देश में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए गए, उसके साथ ही प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा सबसे महंगा पेट्रोल दिया जा रहा है जिससे जनता की जेब पर असर हुआ है। केंद्र व राज्य सरकार इस संकट काल में तत्काल पेट्रोल डीजल पर करों में कमी कर जनता को राहत प्रदान करे। निवाली, प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी निवाली ने राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार जेपी सोरी को ज्ञापन सौंपा। संपूर्ण देश में पिछले कई दिनों से लगातार हो रही पेट्रोल डीजल के मूल्य वृद्धि को लेकर ब्लॉक कांग्रेस द्वारा निवाली तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि डीजल पेट्रोल के दामों में वृद्धि हो रही है, इसे शीघ्र रोका जाए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कांग्रेसी उपस्थित रहे। राजपुर, कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए राजपुर एसडीएम अभय से ओहरिया द्वारा नगर में बाजार खुलने का समय निर्धारित करते हुए प्रतिदिन बाजार दोपहर 1 बजे बंद करने के आदेश दिए थे। प्रशासनिक आदेश के बाद भी दुकानदारों द्वारा दुकानें बंद न होने पर एसडीएम साहब खुद ही पैदल दुकानें बंद करवाने निकल पड़े। अधिकारियों को देखकर बाजार में अफरा तफरी मच गई। बरू फाटक, यूरिया खाद की किल्लत से किसान हुए परेशान। किसानों ने अपने खेतों में फसलें बो दी है लेकिन उन्हें खाद की आवश्यकता है जबकि आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था में यूरिया उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। ग्राम टिकरी एवं बरू फाटक की आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था की दुकानों पर पिछले कई दिनों से यूरिया खाद की किल्लत बनी हुई है। अभी तक प्रशासन द्वारा कोई व्यवस्था नहीं कराई गई, इस वजह से कई किसानों को प्राइवेट दुकानों की शरण लेना पड़ रही है और उन्हें ऊंचे दामों में यूरिया खरीदना पड़ रहा है। बरू फाटक, वैश्य समाज के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता के जन्मदिन पर स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर नगर के सुनील गुप्ता, राधेश्याम अग्रवाल, हिमांशु जोशी, कैलाश अग्रवाल के द्वारा पौधारोपण किया गया। वहीं कोरोना योद्धाओं का शाल श्रीवल भेंट कर सम्मान किया गया। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। बिजासन, खड़ी ट्रक में जा घुसा ट्रक। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 3 पर ग्राम गवाड़ी के पास ढाबे की पार्किंग में खड़े ट्रक में पीछे से जा घुसी एक अन्य ट्रक जो मुंबई से गाड़ियों के चेचिस भर के आ रहा था। घटना में मुंबई की ओर से आ रहे ट्रक चालक को कमर और हाथ में चोट लगी है जिसे उपचार के लिए सेनवा सिविल अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं चालक की हालत खतरे के बाहर बताई जा रही है। बिजासन चौकी पुलिस ने मामला दर्ज किया है। बड़वाह शहर के महेश्वर रोड स्थित इंद्रपुरी कॉलोनी वासियों को विगत 2 दिनों से जहां पीने का पानी नहीं मिल रहा वहीं कॉलोनी में गंदे पानी की निकासी नहीं होने से घरों के बाहर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। इस समस्या के निराकरण के लिए कॉलोनी वासियों द्वारा एसडीएम मिलिंद ढोकी को एक शिकायती आवेदन दिया। मामले में एसडीएम द्वारा नगरपालिका सीएमओ को तत्काल बुलाकर समस्या का निराकरण करने की बात कही किंतु नगरपालिका सीएमओ का कहना है कि इंद्रपुरी कॉलोनी नगरपालिका में हस्तांतरण नहीं हुई है।